हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का जो पेपर हुआ था पोस्ट कोड 887। तो इसके हम जो हिमाचल प्रदेश के जो जीके का पोर्शन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन इधर धर्मशाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमीशन और हिमाचल प्रदेश वास, तो वो थे पी एस राणा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता ही है गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्टिफिशियल लेक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ स्थित हैं, तो वह लाहौल स्पीति में। अगर पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह कांगड़ा ज़िले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टेम्पोला माउंटेन पास इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो टेम्पोला जो दर्रा है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, एज यू नो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक जो है वो किस ज़िले में मतलब स्थित है, तो वह है चंबा में। चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी, ठीक है, बंदर घाटी भी स्थित है, तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फॉर्मड बाय द ग्लेशियर फेड बादल एंड तंतागिरी स्ट्रीम्स। बादल और तंतागिरी ग्लेशियर्स के कौन सी नदी बनती है, तो वो बनती है रावी, और ये निकलती है बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, और मतलब ये जो है वो ज़िला को छोड़ के जाती है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि रॉक साल्ट जो इज़ फाउंड इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वह गुम्मा और दरंग, दोनों ए और बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि केहलूर राज्य सत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 900 AD में। अगला क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वाज एट, महलोग राज सत्ता की राजधानी स्थित थी, तो वो स्थित थी कोट घासरी में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर, भरमौर का पुराना नाम था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ब्रह्मपुर। कीर्तग्राम अगर पूछ लें आपसे तो ये बैजनाथ का था, धमेरी जो है वो नूरपुर का था, ब्यासपुर बिलासपुर का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल जो मैंने आपको बताया था, तो वो चंबा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 69 का है कि कांगड़ा किले के अंदर किस मुग़ल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी, वो थे जहांगीर। 1922 के आसपास कांगड़ा में जहांगीर जी ने मतलब मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के बसपा 2 पन बिजली परियोजना का कार्यान्वयन संस्था कौन सी है, तो वो है JP हाइड्रो पावर, नहीं सॉरी, इसका जो होगा नन ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 71वां हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमान पतन 1998 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गगल, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था, वो किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किससे पहले वॉइस रॉयल लीग लॉज के नाम से जाना जाता था, वो थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये बन के स्टार्ट हुई थी 1888 में, लॉर्ड डफरिन ने इसे बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, अर्नी यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, वो इंदौरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, धार बेड़ी और दंदू हिमाचल प्रदेश के किस स्थान जिले का लोक नृत्य है, तो ये जो है वो कुल्लू के लोक नृत्य है, एक कारथी करके भी है, कारथी, ये भी जो है वो शिमला कुल्लू से ही बिलोंग करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, हिमाचल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्लर्क पोस्ट कोड 887 में, उसमें हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में जल्द से जल्द लेके आऊँगा। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।